नमस्कार, आज का व्लॉग मेरे कविता के नाम। मैं बहुत पहले बहुत सारी कविताएं लिखती थी और एक कविता मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत खास। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी कविताएं आपको बार बार सुनाऊं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे मैं कुछ व्लॉग्स अपने कविता के ऊपर ज़रूर बनाऊँ। सो आज की जो कविता है ना, वो खासकर उन सभी परिवार के लिए है जो अपने घर में अपनी महिलाओं को, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो या कोई भी महिला हो, और आपके घर में ही नहीं बाहर भी इज्जत नहीं देते, लेकिन मंदिरों में जाके देवियों को प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये कविता उनके लिए खासकर है और ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, और जिनके लिए कह रही हूँ वो इस कविता को सुनने के बाद ज़रूर समझ जाएंगे। तो मेरी कविता कुछ इस तरीके से है। कैसी सोच बना दी हे भगवान तूने इस मनुष्य की, लक्ष्मियों को कहकर अपना दुर्भाग्य लड़कियों को मार दी ठोकर इस मनुष्य ने। जन्म लेती नहीं पूरी तरह से वो इस दुनिया में, मार दिया जाता है उसे पहले ही। ना इज्जत पाती है ना प्यार, पाती है तो सिर्फ गुलामी दूसरों की। कोई शक नहीं इस बात में कि कहीं कहीं उसे बहुत प्यार भी दिया जाता है, पर क्या वहाँ पर भी उसे खुलकर जीने दिया जाता है? पत्नी हो, माँ हो, बहन हो या बेटी हो, इनकी आवाज़ों को उनकी ही चार दीवारियों में दबा दिया जाता है। उठाती हैं अगर आवाज़ तो क्यों इन्हें मार दिया जाता है? करते हैं देवियों की पूजा, चढ़ाते हैं उन्हें प्रसाद, पर क्यों पहचान नहीं पाते देवियों को जो रहती हैं सदा उनके साथ? मांगती ही क्या है वो, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, पर यह भी देने में उसे करा देते हैं ढेर सारा इंतज़ार। क्यों करते हैं लोग उन पर इतना अत्याचार, क्यों कहते कहते उन्हें पार कर देते हैं उनका अस्तित्व साफ। तो अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और ज़रूर लोगों को बताइएगा कि आज के टाइम पे ना बेटी कम है और ना बेटा, हर किसी को बराबर का एक अस्तित्व दे, एक दर्जा दे, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या कमाल हो सकता है। और मैं इस चीज़ के लिए अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सारी चीज़ों में, इवन सभी चीज़ों में सपोर्ट किया है, और आज उन्हीं की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कर पाती हूँ। तो धन्यवाद मेरे परिवार का, और धन्यवाद हर उस परिवार का जिसमें लड़कियाँ अपने आप को बहुत सेफ, बहुत सिक्योर और बहुत अच्छा फील करा पाती हैं। क्या आप उन्हें ऐसा फील कराते हैं, ये ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।